हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शास्त्री एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स मैथ्स मैजिक वर्बुक। हमारे टेक्स्ट बुक में सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, ऑल ऑफ मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था, इसलिए मैंने चैप्टर 9 लिया सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग में आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, सम्स आपको नहीं आता है। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर, इफ़ वन केक कॉस्ट 200, केक की कॉस्ट कितनी है 200, देन हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ केक कॉस्ट। 3/4 पार्ट है उसका, केक का प्राइस कितना होगा, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बता रही हूँ। केक कॉस्ट 200 रुपीज, 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट 3/4 है ना, 3/4 का फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 200 × 3/4 ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड, तो हमारा आएगा आंसर 150। आप लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने आपको सिखाया हुआ है। सेकंड नंबर, इफ़ वन द वाटरमेलन कॉस्ट 100 रुपीज, हाउ मच डज 1/4 पाथ, 1/4 पाथ का कॉस्ट कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वाटरमेलन कॉस्ट 100 रुपीज, हाउ मच पार्ट ऑफ वाटरमेलन, कॉस्ट 1/4 है, इस 1/4 का हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इक्वल टू 100 × 1/4 तो इक्वल टू 25 आएगा। 100 इसका कॉस्ट है, 1/4 का हमें पार्ट करना था, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, 25 रुपीज। थर्ड नंबर, इफ वन दर्जन मैंगो का कॉस्ट कितना है 120, देन हाउ मच डज हाफ दर्जन मैंगो का कॉस्ट कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वन दर्जन का कितना है 120, गो कॉस्ट रुपीज कितना है 120, तो हाफ दर्जन का कितना होगा, हाउ मच, कॉस्ट हाउ मच कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 120 × 1/2 = 60 रुपीज। फोर नंबर, हाउ मच पार्ट और डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर मीन्स, तो 1/4 2 लीटर पानी है, वाटर्स है, तो 1/4 का कितना होगा, तो 1/4 × 2 करेंगे, तो 2 × 4 = 2 तो इक्वल टू होगा 1/2 लीटर, कितना होगा 1/2 लीटर। फाइव नंबर, हाउ मच पार्ट और डज द 3/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर ऑफ मिल्क, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। 4 लीटर ऑफ मिल्क है, तो ये लिखना है, मैंने फोर्थ में नहीं लिखा है, आपको लिखना है बेटा, मेथड के साथ करना है आपको। 4 लीटर ऑफ मिल्क 3/4 पार्ट, हाउ मच, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3/4 × 4, 4 कट हो जाएगा, तो 3 लीटर आएगा, 3 लीटर। सिक्स नंबर, देयर आर 44 स्टूडेंट क्लासरूम में हैं, आउट ऑफ दैन 3/4 पार्ट ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, तो 3/4 पार्ट बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी क्लास के अंदर, तो ये फाइंड आउट करना है, तो
44 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट, और 3/4 पार्ट ऑफ द बॉय। तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, 44 × 3/4, तो 4 कट, तो टोटल आएगा 33 बॉयज़ हुए। तो अब कैसे माइनस करेंगे, 44 थे टोटल, तो बॉयज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, बॉयज़ टोटल कितने हो गए 3/4 में 33 बॉयज़ है, तो हम माइनस करेंगे तो 11 गर्ल्स हो जाएंगी। हमें कैसे पता चला 44 में से 11 हमने माइनस किया, 33 बॉयज़ है तो 44 में से 33 बॉयज़ है, बाकी के जो बचे वो कितने हैं, वो गर्ल्स हैं, 11 गर्ल्स है क्लास के अंदर। 7 नंबर, देयर आर 84 मार्बल्स इन वन बॉक्स, 84 वन मार्बल्स बॉक्स के अंदर है, आउट ऑफ दैट 1/4 पार्ट ऑफ द मार्बल आर रेड, देन हाउ मैनी रेड मार्बल आर देयर इन ए बॉक्स, बॉक्स के अंदर कितने रेड मार्बल है, तो 84 मार्बल इन वन बॉक्स। तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 84 × 1/4 इज इक्वल टू 21 रेड मार्बल कितने हुए, 21 रेड मार्बल। हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई आप लोगों को आता होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने आप सबको सिखाया है, ये मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 9। वी वॉन्ट ए बायर, 8 नंबर, पेंसिल ऑफ 2 रुपीस है, ही गिवन 1 कॉइन है, 1/2 रुपीस कॉइन यानी 50 पैसा, 1/4 रुपीस कॉइन ऑफ शॉपकीपर इज दिस अमाउंट, हाउ बाय द पेंसिल, वो कैसे करेगा, तो 1 रुपीस है उसके पास, 1 रुपीस है प्लस 0.5 हाफ करना है, फिर इधर क्या लिखा, 1/4 रुपीस, तो 0.25 हुआ, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 1.75 रुपीस हुआ हमारे पास। अब टू रुपीस उसको चाहिए, तो 2 रुपीस में से 1.75 माइनस करेंगे तो 0.25, तो इतने रुपीस में पेंसिल अवेलेबल उसे नहीं मिलेगी, पेंसिल नहीं मिलेगी उसे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, मैंने इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है, जो मल्टीप्लाई मैं वापस आप लोगों को समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, मीही डिड हाफ ऑफ हिज होमवर्क, उसने हाफ होमवर्क किया ऑन मंडे को किया, एंड 1/4 होमवर्क इस ट्यूजडे को किया, हाउ मच पार्ट ऑफ टोटल होमवर्क डिड ही डू इन द टू डेज में उसने कितना होमवर्क किया, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1/2 + 1/4, तो हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, 1 × 2, 2 × 4 होता है बेटा, तो 2 प्लस फिर 1 × 1, 4 × 1 से हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर के 1 है तो 1 × 1 फिर ये 4, तो 4 × 1 लेना है, तो अब हमें इसको करना है, हमारा आंसर कैसे का 2 × 1 = 2 + 1, ये 1 है तो 1, फिर 2 × 2 = 4 आया बेटा, फिर इससे हम कैसे करेंगे, 2 + 1, ये 1 यहाँ से लिया, 2 हो गया इसे और ये 1 वहाँ से, और ये 4 × 1, ये 2 × 2 = 4 होता है, सेम हुआ, 4 × 1 = 4, ये भी 4 हुआ तो सेम हो गया, तो इसलिए हमने 2 + 1 लिया, तो 3 हो जाएगा, 3/4 में उसने पूरी बुक, अपनी नोटबुक्स, होमवर्क 3/4 टाइम पर उसने होमवर्क कंप्लीट किया बेटा। समझ में आया, मैं रिपीट कर रही हूँ, 1/2 मंडे को उसने आधा कंप्लीट किया, फिर ट्यूजडे को क्वार्टरली, तो 1/4 होता है हाफ, तो 1 × 2 किया, और फिर 2 × 2 ऐसे, इधर इसका भी 1 × 1
फोर इंटू वन, तो टू वन जा टू, फिर वन इंटू वन तो वन, वन वन जा वन ही होता है बेटा। अभी नीचे टू इंटू टू, तो टू टू जा फोर हुआ। अब इधर कैसे करने का, अब इसका आंसर लाना है, तो टू प्लस वन थ्री होता है, फोर का तो फोर, तो थ्री अपॉन फोर आंसर आया हमारा। टेन नंबर, इन ए फैमिली थ्री अपॉन फोर पार्ट ऑफ द राइस वॉज यूज अप आउट ऑफ 24 केजी राइस इन वन वीक, वन वीक में यूज होता है, देन हाउ मैनी केजी राइस इन लेफ्ट ओवर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 24 केजी राइस इन वन वीक, तो थ्री अपॉन फोर पार्ट ऑफ द राइस वॉज यूज्ड, तो कैसे करेंगे, तो 24 इंटू थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू 80 केजी हो जाएगा। देन हाउ मच केजी राइस इज लेफ्ट ओवर क्वेश्चन मार्क। ये मेथड आपको लिखना है बेटा, इसलिए लिख रही हूँ मैं। मेथड्स जब सॉल्व द फॉलोइंग होता है, आंसर द क्वेश्चन होता है, इसमें पूरा मेथड के साथ ही मैथ्स में लिखा जाता है बेटा, इसलिए। तो हाउ मच, देन हाउ मच केजी राइस इज द लेफ्ट ओवर, तो 24 इंटू 3/4 करेंगे तो 18 केजी आ जाएगा आपका आंसर। 11 नंबर, हाउ मैनी रुपीज डज 1/4 पार्ट ऑफ 440 में, तो 440 को कैसे करेंगे, तो 440 इंटू 1/4, तो 4 कट हुआ, ये कट हुआ, तो 1/0, 4 1 जा 4, तो 1/10 आया, 0 की 0 ही रहेगा, तो 1/10 ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।